क्या भीड़ लगा है भैया, लोग आते रहते हैं कभी कभी, मतलब रेगुलर कस्टमर है, कभी कटलेट कभी चीला चलते रहता है। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग पे। तो दोस्तों जय श्री राम, फिलहाल मैं आज का वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका है, चलिए चलते हैं बाजार वगैरह के लिए। ठीक है, आज अपना ब्रेक था भाई, आप लोग यूट्यूब चैनल पे होंगे चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में बताना कि आपका ब्लॉग कैसे है। और जो मेरा आईफोन का हाई चैलेंज चल रहा है आज दूसरा दिन, और ये न्यू टी शर्ट किया हुआ है, आपको कॉमेंट में बताना कैसा लग रहा है। चलो फिर निकलते हैं, आप लोग यूट्यूब में चैनल पे होंगे चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई ब्रेड ले रहे हैं, हम ब्रेड वगैरह वैरायटी देख रहे हो आप लोग, इनके पास काफ़ी सारे वैरायटीज हैं भाई, ये देखो आप तगड़ा, हर चीज़ का वैरायटीज है भाई। ठंडी गर्मी के बाद देखता हूँ कुछ काम सीखने जाना है बाहर, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे को नहीं आता, लेकिन जो चीज़ मैं सीखने जा रहा हूँ वो सोचिए कि क्या चीज़ होगा जो मैं सीखने जा रहा हूँ। टाइम लेकिन उसमें बहुत टाइम है, अभी 5-6 महीने से ज़्यादा टाइम है। तो फाइनली भाई मसाला रेडी हो चुका है, फटाक से ब्रेड काटता हूँ, सेवई वगैरह तोड़ता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ कटलेट वगैरह बनाने के लिए। टाइमिंग 11:30 के आसपास हो गया, वीडियो वगैरह पोस्ट हो गया भाई। और ये जो हार्ड चैलेंज है ना भाई, बहुत हार्ड तरीके से चल रहा है। पैसा गर्मी के दिन आगे मुझे आपसे प्रॉफिट वगैरह हो नहीं पाता, कल 2-2:30 बजे दुकान लगाया था मैं, उसके बाद भी ठीक है, चलो कोई नहीं है। जो 110 पीस के आसपास मैंने कटलेट पार्सल किया था ना, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ मेरा। ठीक है, बाकी दुकान वगैरह सेल किया ना, तो शादी का न्योता होता है, इधर उधर कुछ कुछ रहता है ना भाई, घर के खर्चे उर्चे उसमें पूरा पूरे के पूरे उसमें खर्च हो गए। कोई नहीं, 1100 तो बचा ना भाई, बहुत है। और भाई टाइमिंग अभी 1:30 के आसपास हो रहा है, आराम से मैं बनाया कटलेट, उसके बाद भी आज थोड़ा जल्दी हो गया, बिकॉज अभी थोड़ा दिन भी बड़ा कर रहे हैं ना, इसके चक्कर में कटलेट कम्प्लीट हो गया है। आज थोड़ा कम कटलेट लेके जा रहा हूँ, सामान वगैरह ले जा रहा हूँ, पीसते हैं, फिर पीस देता हूँ। 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा पिसा जाएगा, प्याज वगैरह काट के 2:30 बजेगा, खाना पीना खा के जाऊँगा 3-3:30 बजे तक हो जाएगा। मम्मी फिलहाल में थोड़ा मदद कर दे रही, टमाटर वगैरह काट दे रही है धो के, और इधर चटनी वगैरह के लिए मैं जा रहा हूँ सामान वगैरह पीसने के लिए। चलो फिर कम्प्लीट करता हूँ सामान, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। बहुत दिनों से भाई मशीन देखो वहाँ रखा हुआ है, अरे हाँ चुस्की मशीन आप लोग को दिखाने जाते हैं कि भाई यहाँ रखा हुआ है कबाड़ में, बहुत दिनों से ऐसी रखा हुआ है। चलो फिर काम करता हूँ, मैंगो जूस का जो मेरा डब्बा है ना भाई, मैंगो जूस का डब्बा बहुत दिन से आप लोगों ने जो भी मिस किया होगा भाई, देखो मैंगो जूस का डब्बा बहुत जल्दी निकलेगा ये भी, बिकॉज गर्मी का दिन आ गया है। Hey guys, तो भाई साहब चलो टेम्पो आ गया, फटाक से सामान वगैरह रखते हैं। तो फाइनली लगभग 4 के आसपास जो है टाइमिंग, और फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ कटलेट, देखते हैं मार्केट वगैरह कैसा क्या ही रहता है भाई। बाकी आप लोगों का सपोर्ट प्यार है ही, और आज का ब्लॉग ज़्यादा उतना भी नहीं इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरा ना अभी आईफोन हार्ड चैलेंज चल रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। और लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें चेंजिंग होने वाली हैं, बिकॉज इस महीना मेरा नॉर्मली ऐसे रहेगा, बाकी इस महीने के बाद देखते हैं भाई जैसा जो भी रहे यार। फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ अभी गर्मा गर्म कटलेट, तो खाएगा भाई। इधर है कटलेट और इधर है पाव रोटी, पाव रोटी भी अंदर में है, थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा पाव रोटी भाई, समझ रहे हो ना आप लोग, थोड़ा ऐसे घुमा ले रहा हूँ मोबाइल। चलो दीपक भाई पाव रोटी निकालो जल्दी जल्दी। अच्छा इधर का पाव रोटी कैसे करते हैं, सुबह पों पों करके बजा के बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? नहीं बेचते हैं,
जाइए दादा, चाउमिन वाउमिन बेचिए, मंचूरियन सोया चिल्ली उल्ली बेचिए आप। 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद चखना वाले कैसे दादा? चीला वाला बना लो थोड़ा, वहाँ का भी व्यू ले लेता हूँ मैं, इधर ट्राइपॉड लगा लेता हूँ इधर से, इधर आके प्रदीप का दुकान। हाँ बस बस बहुत बढ़िया प्रदीप है। मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, गिराए भी है तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। गीला है तो मैं गिरा है, अब गिराए भी है तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आदित्य जी का चुटकी में मार दिया क्या? ठीक है कहाँ पे बैठेगा? तो मना कौन किया भैया? हमको नहीं सिखलाया कटलेट बनाने के। हाँ कटलेट खाएंगे? खाएगा क्या? खाएंगे ना, खाना खिलाया। अरे तो मेरे YouTube को खोल के आप देख सकते हैं भैया। हाँ वो तो YouTube खोल के देख सकते हैं। चलाने आता तो मैंने देखता नहीं, हम चलाने नहीं जानता ना, देख ना सकता हूँ। तो पूरा शूटिंग हो रहा है, आपको धीरे से मोबाइल लेके चलने का तो ऐसे कैसे पता चलेगा? तो मैं भीड़ में रहेगा तो वही तो बात है ना, भीड़ में तो ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। हाँ बता रहा हूँ, आज कम झट में काम में रहता है ना, दिन भर मोबाइल लगा के नहीं छोड़ता हूँ। 5 मिनट छोड़े, 5 मिनट मेरा पूरा नज़र मोबाइल पर रहेगा, देखा होगा। अच्छा शूटिंग किया कि पूरा आ रहा है कस्टमर का भी? हमारा दुकान के भी आ रहा है सी। आपका दुकान का ले लिया? हाँ अब जैसे भी आ रहे थे ना आप कहाँ गए? अरे आओ नहीं यार, का भीड़ लगा है भैया लोग आते रहते हैं कभी कभी, मतलब रेगुलर कस्टमर है, कभी कटलेट कभी चीला चलते रहता है। फिलहाल भैया लोग का चीला ही चल रहा है, इधर भी एक चीला ही बना रहा हूँ मैं। थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ तो कंटिन्यू ब्रेक टू ब्रेक ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीला इधर बना ही रहा हूँ। ये भी भाई साहब खाएंगे और पीछे में भी चीला, कहीं पार्टी चल रहा है। चीला मेरा काफ़ी सारा निकल गया है, आधा से ज़्यादा मसाला तो मैं ज़्यादा ले आता हूँ। ये देखिए लास्ट चल रहा है, जब से हूँ चीला चीला मंगोड़ी मंगोड़ी चटनी। टाइमिंग अभी लगभग 9 के आसपास हो रहा है, मेरे पास ना 30 पीस कटलेट बचा है भाई, देखते हैं अब कैसा क्या ही मार्केट रहता है, क्योंकि ना चौपाटी में ना तो भीड़ हो रहा है, ना तो ग्राहक है, ना ही मार्केट है। मैं पिछले आधे नहीं सॉरी, मैं पिछले 15 मिनट से बैठा हूँ और दीपक भैया पिछले आधे घंटे से बैठे हुए थे। देखते हैं अब जिसका जैसे जितने सामान ना निकल जाए। और भाई कटलेट जो मेरा कल पार्सल गया था उसको पैसा नहीं मिला था, अभी मिला, आज मिला, कोई नहीं जैसा जो भी है। कल पता नहीं यहाँ रहूँगा या अंबिकापुर जाऊँगा घूमने, देखता हूँ जैसा भी रहे, क्योंकि दीदी का कॉल आ रहा था, हो सकता है तो मैं दीदी के घर भी जाऊँगा कल घूमने। दीदी का जाऊँगा तो देखते हैं भांजा भांजी में उनका भाई आप लोगों को सीन मिलेगा जो भी यार व्यू, देखते हैं चलो जैसा भी रहे। कल का ब्लॉग कल ही पता चलेगा, कल का क्या मूवमेंट रहेगा कैसा रहेगा, पूरा वीडियो नहीं देख रहे आप लोग, पूरा सन्नाटा है भाई चौपाटी के, बहुत बुरा हाल हो गया है। सामान हो गया भाई, फिर सामान सब कुछ रख लिया है, ये दोनों झोला जाएगा अभी गाड़ी पे, सिलेंडर वगैरह सब कुछ इधर है। और फिलहाल में दीपक भैया के भी लगभग देखो सामान वगैरह रख ही चुके हैं लगभग लगभग, और चौपाटी लगभग लगभग देखो पूरा का पूरा खाली हो गया है। वही टाइमिंग 10 के आसपास हो रहा है, काट अपन काजू सेक वगैरह ले लेते हैं या फिर कुल्फी वगैरह आइसक्रीम ले लेते हैं। भाई साहब एक तो आइसक्रीम बढ़ा दिए दुकान नहीं, राजा रानी नहीं चाहिए मेरे को भोग कोई सा, बस हिंदी वाला कोई सा भोग हो तो दे दो भाई, हिंदी वाला कोई सा हो तो। ये तो इनको सही था नहीं था क्या ही बोलूं मैं, मतलब ठीक ठाक था भाई। आपका भाई का ना लगभग 5-6 पीस का उसका डेट बचा था, लेकिन उतना नॉर्मली भाई बगल में भैया लोग हैं ना, मतलब चौपाटी में आज किसी का मार्केटिंग नहीं था, मेरा भी उतना खास नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था भाई। देखो सामान निकल गया ना ठीक है, 100-150 कमा रहा, कम कमा कोई दिक्कत नहीं है,
और नगर पालिका का भाई लगभग 120 रुपये के आसपास। अभी नया नया भाई पर्ची कटना चालू है, दो दो महीने का कटा है, नहीं जनवरी फरवरी मार्च, अभी मार्च ही चल रहा है, दो दो महीने का कटा है 120 रुपये उसका अलग से। और बाकी इधर मार्केटिंग ठीक ठाक रहा, ठीक है, प्रॉफिट भी लगभग लगभग 1000 के आसपास, ठीक ठाक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आईफोन हार्ट चैलेंज का आज है दूसरा दिन, तो आज का पैसा मेरा बचेगा नहीं, क्यों नहीं बचेगा, इसलिए क्योंकि भाई कल मेरे को उठाना है कोयला, ठीक है, तो एक दिन का कल का जो 1100 रुपये बचा, और बाकी कल आज जो पैसा बचेगा उससे कल मैं कोयला लेकर आऊंगा, फिर देखते हैं कल कितना मेरा पैसा बचता है, ठीक है। पीपी डे में दो दिन निकल जाएगा, उसके बाद बुधवार को रेस्ट है, उसके बाद फिर गुरुवार शुक्रवार शनिवार देखते हैं ना जैसा भी रहे यार। 50 डे हार्ड चैलेंज किया हो ना तो कोशिश करूंगा भाई, समझ रहे हो, अपने हिसाब से मतलब बचाने का पूरा कोशिश करूंगा मैं। उसके बाद फिर अभी जिम का भी महीना पूर गया है, उधर भी पैसा खर्चा बहुत है भाई, बिजली बिल बहुत है। चलो ठीक है, फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे।